हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसे रिकॉल करते हुए आगे का पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस क्या होती है, जो कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें तो पोलन्स का, ये पोलन्स हैं, इनका पिस्टल, पिस्टल का कौन सा पार्ट सबसे पहले, पिस्टल तीन पार्ट से मिलकर बनी थी जैसे कि बताया था, फर्स्ट स्टिग्मा, इसे वृत्तिकाग्र कहते हैं, वृत्तिकाग्र, सेकंड स्टाइल, वृत्तिका, एंड थर्ड ओवरी। ठीक है, इसे जायांग कहते हैं, ये तीन पार्ट से मिलके बनी होती है, ये तो आपको पता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको क्लासेस में। तो जब पोलन इस पिस्टल पर पहुँचता है तो इन दोनों के बीच में एक रिकॉग्निशन रिएक्शन होती है, रिकॉग्निशन प्रोसेस होता है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना, रिकॉग्निशन प्रोसेस होता है, पहचानना कहते हैं इसे। इस रिकॉग्निशन के अंदर क्या होगा, केमिकल सब्सटेंस, कैसे सब्सटेंस, केमिकल्स पार्ट लेते हैं और ये एज अ सिग्नल काम करते हैं, एज अ सिग्नल काम करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही पोलन इस पिस्टल के फर्स्टली स्टिग्मा पर पहुंचता है तो पोलन के केमिकल कंपोनेंट एंड स्टिग्मा के केमिकल कंपोनेंट के बीच में इंट्रैक्शन होती है, कि ये इस इंट्रैक्शन से ये जाना जाता है, ये पहचाना जाता है कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो करेक्ट है या नहीं है। दैट मीन कि ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं या नहीं, ये दोनों सेम जीनस के या स्पीसीज के या एक ऐसे प्लांट तो है ना जो आपस में फ्यूज़न कर सकते हैं, तो उनके बीच में इस तरह की एक रिकॉग्निशन रिएक्शन होती है जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो सकते हैं या नहीं। उसमें पोलन एंड पिस्टल दोनों के ही जो केमिकल कंपोनेंट हैं और जो स्ट्रक्चर है वो रोल प्ले करते हैं। तो जो फर्स्ट रिकॉग्निशन रिएक्शन होती है वो स्टिग्मेटिक लेवल पे होती है, यानी कि स्टिग्मा वृत्तिकाग्र की सरफेस पे होती है। अगर वहाँ से पास हो जाता है देन वो स्टाइल पे जाता है, यानी कि वृत्तिका पे जाता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी। अगर स्टिग्मा ने पास कर दिया कि हाँ इंट्रैक्शन है, कंपैटिबल है, क्या चेक करा जाता है, मेनली जो चेक किया जाता है वो कंपैटिबिलिटी होता है। ठीक है, अगर स्टिग्मा ने कहा कि हाँ कंपैटिबल है तो वो स्टाइल पे जाएगा और वहाँ पर जाकर इसकी कंपैटिबिलिटी चेक होती है। उस समय जैसे ही स्टिग्मा इससे, एक सेकंड, जैसे ही स्टिग्मा अलाउ कर देती है पोलन को, किसको, पोलन को, तब इसमें पोलिनेशन होगा, यानी कि पोलिनेशन नहीं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जर्मिनेशन होगा। और ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा में जाएगी, स्टिग्मा को रप्चर करके स्टाइल में जाएगी और स्टाइल लेवल पर अब इसकी कंपैटिबिलिटी कंटिन्यू चेक होती रहती है। यानी कि अगर इसे किसी भी तरह से पता चलता स्टाइल को कि ये कंपैटिबल नहीं है तो उसी समय इस पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसे रोक दिया जाता है। इसके बाद में इसे आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि अगर स्टाइल ने भी नहीं चेक कर पाया तब इसकी ओवरी के अंदर सिनर्जिड्स इस चीज़ को पहचानने का ट्राई करती हैं। तो वैसे तो ये इंट्रैक्शन स्टिग्मा की जो लेवल है उसी पे कंप्लीट हो जाती है और लास्ट में लास्ट स्टाइल पर रेयर होता है कि ये पहचानना, इसका जो रिकॉग्निशन रिएक्शन है वो एंड तक पहुँचे और
फ्यूज़न नहीं हो पाता किसी भी, अगर दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो जर्मिनेशन ही नहीं होता, पोलन टिप का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है, और हो भी गया तो वो बीच में ही इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। तो ये थी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब इसके बाद हमने जैसा कि बोला था कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के अंदर पोलन एंड स्टिग्मा दोनों ही रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि दोनों के ही हमें स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलन के स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे कि पोलन के स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसा कि आपको पता होता है, मैंने बताया था कि पोलन कैसा होता है, राउंडेड है और दो लेयर से मिलके बना है। ये दो लेयर से मिलके बना है। इसकी जो आउटर लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं एक्साइन, बाह्य भित्ति या बाह्य परत, और जो इनर लेयर है इसे कहते हैं इंटाइन, आंतरिक परत। अब इसकी जो एक्साइन है ये खुद भी दो लेयर से मिलके बनी है, तो इसकी एक्साइन को भी इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि ये खुद भी दो लेयर से मिलके बनी हुई होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, यानी कि जो ये वाली लेयर है जिसकी आप ऊपर आपको इस तरह से रफनेस दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं सेक्साइन या एंड टेक्साइन। और इसके बाद जो इनर वाली लेयर है उसे बोलते हैं नेक्साइन या ये एक्साइन है और ये एंडेक्साइन। एक सेकेंड, इससे मैं इसे क्लियरली यहाँ से समझा देती हूँ एक ब्लैंक स्लाइड से। हाँ, यहाँ समझते हैं इसे कि अगर पोलन वॉल की ये बात की जाए, ये पोलन है, इस पोलन की ये आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल दो वॉल से मिलके बनी है। अब इस वाली को बोलेंगे सेक्साइन, क्या बोलेंगे, सेक्साइन या एक्सटेक्साइन। और ये जो ये लेयर है इसे बोलेंगे नेक्साइन या एंडेक्साइन। हिंदी में क्या नाम है, आप हिंदी में आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो सेक्साइन का मतलब बाह्य भाग, सबसे बाहरी बाह्य परत। सिंपल सा ये कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन की। ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, ये दोनों ही एक्साइन के पार्ट हैं। ये पूरी क्या है, ये पूरी यहाँ तक ये हो चाहिए हो, पूरी एक्साइन है। अब इसके बाद में जो ये वाली लेयर आई, ये लेयर जो आपको दिख रही है, इस लेयर को बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब सिंपल सी चीज़, जो ये आउटर लेयर है, ठीक है, देखिए पोलन में ही आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम सुपरफिशियली बात करें, कि अगर हम बात करें एक्साइन की या इंटाइन की, तो एक्साइन थोड़ी सी थिक है और रफ दिखती है आपको, और इंटाइन एकदम स्मूथ दिखती है, ठीक है। ये कैसी होती है, रफ और ये स्मूथ होती है, यानी ये चिकनी होगी और ये थोड़ी सी ऐसे उभरी हुई, इसके ऊपर कोई ना कोई तरह की स्कल्पचर्ड होगी, यानी कि ये कोई ना कोई तरह का उभार या किसी ना किसी तरह की आकृतियाँ बनी हुई होती हैं, और ये थोड़ी सॉलिड होती है। तो अगर हम एक्साइन की बात करें, स्पेशली एक्साइन की बात करें, तो एक्साइन सॉलिड होगी, थिक होगी, रफ होगी, और इसके ऊपर किसी न किसी तरह का स्कल्पचर्ड होगा, यानी कि कोई ना कोई तरह की आकृति बनी हुई होगी, ठीक है। और इसके पहला पॉइंट तो अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, दूसरा इसके दो हैं,
एक का नाम है सेक्साइन, सबसे बाहरी लेयर, और दूसरी है सेक्साइन, और दूसरी है नेक्साइन, सबसे आउटर वाली सेक्साइन। इस सेक्साइन पे आपको ये रफनेस मिल रही है और ये स्क्लेप्चर्डनेस इस सेक्साइन पे मिलती है। जो नेक्साइन है वो आपको स्मूथ मिलेगी। नेक्साइन कैसी मिलेगी? स्मूथ मिलेगी। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब चाहे सेक्साइन हो चाहे नेक्साइन हो, यानी कि हम अगर ओवरऑल एक्साइन की बात करें तो ये ओवरऑल एक्साइन एक स्पोरो पोलेनिन करके एक सब्सटेंस है, उससे मिलके बना हुआ है। क्या है सब्सटेंस का नाम? स्पोरोपोलेनिन। इस स्पोरोपोलेनिन से ये एक्साइन बनी हुई होती है और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे आउटर लेयर को सेक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को नेक्साइन कहते हैं। सेक्साइन और नेक्साइन दोनों ही एक्साइन के पार्ट हैं। इस सेक्साइन के ऊपर आपको स्क्लेप्चर मिलेंगे, किसी न किसी तरह की आकृति मिलेगी, रफ मिलेगी ये, और जो नेक्साइन है वो आपको एकदम स्मूथ मिलेगी। तो इस बेसिस पे सेक्साइन और नेक्साइन को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब इसके बाद में जो इंटाइन है, इसके बाद में यहाँ पे ये कलर देते हैं। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब जो इंटाइन है, ये इंटाइन आपको स्मूथ मिलती है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, पोलन वॉल आउट, इससे आउटर वॉल या इनर वॉल ना कहें तो इस कलर को लेकर इसे इरेज कर देते हैं। आउटर वॉल या आउटर वॉल को एक्साइन कहते हैं, और फिर इनर वॉल इसे इंटाइन कहते हैं। आउटर वॉल आपको कैसी मिल रही है? आउटर वॉल आपको सेक्साइन एंड नेक्साइन में डिफ्रेंशिएट मिल रही है। सेक्साइन कैसी है? रफ है, कोई ना कोई तरह की आकृति मिलती है। नेक्साइन स्मूथ है, और इसी के बाद में इंटाइन आती है, ये भी स्मूथ होती है। अब यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आ चुके होंगे। अब इसके बाद में चाहे सेक्साइन हो नेक्साइन हो, ये सब केमिकल कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। तो अगर हम इस एक्साइन की बात करें तो ये मिल के बनी होती है स्पोरो पोले, ये आर हो है पोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन क्या है? स्पोरोपोलेनिन एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है? क्या है? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको सेक्राइड्स के बारे में पता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये सारे सेक्राइड्स ही हैं। और पॉलीसेक्राइड्स का मतलब ये जब आपस में मिल जाते हैं तो इनकी जो एक नंबर ऑफ पॉलीमर की जो चैन होती है उसे पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। तो ये स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी होती है, जो कि क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। इसके अलावा जो इंटाइन है, ये इंटाइन प्रोटीन से मिलके बनी होती है, मोस्टली प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है? यहाँ तक आपको सुपरफिशियली मैंने समझा दिया। अब एक बार जो पॉइंट है उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको इस सारी डिटेल जो मैंने समझाया वो मिल जाएगी। चलिए, जैसा कि बताया कि जो पोलन वॉल है वो बाई लेयर्ड होती है, दो लेयर से मिलके बनी। आउटर वाली को हम एक्साइन कहते हैं, सबसे बाहरी वाली को हम एक्साइन कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी है। और इसके बाद ये जो एक्साइन है ये टू लेयर्ड होती है, जैसा कि बता चुकी हूँ। सबसे बाहर वाली जो लेयर थी उसे सेक्साइन कहते हैं, और ये जो सेक्साइन थी स्क्लप्चर्ड थी, किसी न किसी तरह की आकृति मिलती थी इस पे, और ये रफ थी। तो आपको जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि ये है, इसे दूसरे कलर से लेते हैं, ये है इंटाइन। इसके बाद में जो ये बनाई है मैंने, ये क्या है? ये है सेक्साइन, ठीक है? इसके बाद जो ये है नेक्साइन। तो सेक्साइन कैसी है? सेक्साइन स्क्लेप्चर्ड मिलती है,
स्क्लप्चर्ड मिलती है, यानी कि रफ़ होती है, रफनेस मिलेगी आपको, किसी ना किसी तरह का यहाँ पे कोई ना कोई तरह की आकृति, उभार, छेद, कोई ना कोई तरह के स्पाइंस, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये सेक्साइन थोड़ी सी हार्ड होगी, क्योंकि सेक्साइन का काम क्या है, उस पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन करना, उसका जो अंदर जो जर्म प्लाज्मा है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद नेक्साइन, देखिए जैसे कि कहा था एक्साइन टू लेयर्ड है। अब इस एक्साइन के टू लेयर्ड में से क्या पढ़ लिया हमने, सेक्साइन कंप्लीट। अब बात कर रहे हैं नेक्साइन की, जो ये वाली लेयर है मैंने जो इस कलर से बनाई है, ये लेयर, ये है नेक्साइन। और ये नेक्साइन कैसी है, ये नेक्साइन स्मूथ होती है, स्मूथ। इसके बाद अब यहाँ तक तो आपको पॉइंट समझ आ चुका होगा। ये जो नेक्साइन है, जो नेक्साइन है इनर लेयर, ये नेक्साइन क्या करती है, ये नेक्साइन एक बैक्यूला को बनाती है। बैक्यूला क्या है, बैक्यूला रोड शेप्ड स्ट्रक्चर है, रोड का मतलब छड़ाकार, छड़ाकार स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इस नेक्साइन के आउट ग्रोथ से बनते हैं। तो जब नेक्साइन एक्स्ट्रा ग्रोथ करती है तो उससे रोड शेप्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये रोड शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, बैक्यूला का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी आप इसके डायग्राम से और अच्छे से देखेंगे कि बैक्यूला क्या है। अब ये जो बैक्यूला है, ये बैक्यूला की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर को टेक्टम एक्साइन कहते हैं। सबसे बाहरी लेयर को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बैक्यूला की नेक्साइन ने क्या बनाया, बैक्यूला, और बैक्यूला की जो बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, उसे टेक्टम कहते हैं। और ये टेक्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो इंटाइन है और जो अंदर जितने भी प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट हैं टेपिटम के अंदर, जितने भी इसकी लेयर के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो सिंपल सी चीज़, इस नेक्साइन से बैक्यूला का फॉर्मेशन होता है, जो कि रोड शेप्ड होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि अरी रूप से खुद को विन्यासित रखते हैं। और इनकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो टेक्टम का फॉर्मेशन करती है, और ये टेक्टम क्या करते हैं, इन मतलब सबसे आउटर लेयर को टेक्टम कहते हैं, और इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स एक तरह से कनेक्टिव वे हैं, ये पिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये पिट कनेक्ट रखते हैं जो बाहर वाली लेयर है उसको अंदर वाली लेयर से। अब इंटाइन की बात करें तो इंटाइन पॉलीसेक्राइड से मिलके बनी होती है, पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन से मिलके इंटाइन बनी होती है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबुलर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स बहुत सारे सेक्राइड्स का आपस में जुड़ने से बनते हैं। तो ये पॉलीसेक्राइड से मिलके बनी होती है और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ये पॉलीसेक्राइड्स कहाँ बनते हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं डिक्टियोसोम्स में, जो पोलन है उस पोलन की जो सेल है उसके अंदर डिक्टियोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये डिक्टियोसोम क्या करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके बाद जो ER होती है, जिसे आप कह सकते हैं अंतरपदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस अंतरपदवी जालिका से कुछ ना कुछ राइबोसोम कनेक्ट होते हैं। आपने सेल बायो के अंदर पढ़ा होगा, उस ER वाले राइबोसोम से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस डिक्टियोसोम से पॉलीसेक्राइड बनेंगे इंटाइन के, और प्रोटीन बन जाएगी ER से। तो ये इंटाइन तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इंटाइन क्या है, पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन का मिक्सचर है, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेक्राइड डिक्टियोसोम से बनता है और प्रोटीन बनता है राइबोसोम से, जो कि ER पर प्रेजेंट है। अब यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब जब हमने स्पोरोपोलिनिन की बात करी कि ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया कि ये किससे बन रहे हैं, लेकिन स्पोरोपोलिनिन किससे बनता है, तो स्पोरोपोलिनिन क्या है, और स्पोरोपोलिनिन यहाँ पे ये पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ नोट नहीं किया है इस पॉइंट को, कि स्पोरोपोलिनिन क्या है। स्पोरोपोलिनिन कैरोटीन, ऑरेंज कलर का जो था, ठीक है, कैरोटीन, और इसके जो एस्टर्स होते हैं, एंड एस्टर्स किसके, एस्टर कैरोटीन के, एस्टर क्या होते हैं, CH3COOH वाले, ठीक है। तो जो कैरोटीन के एस्टर हैं, कैरोटीन के एस्टर हैं, ये कैरोटीन के एस्टर क्या करेंगे,
स्पोरोपोलिन का जो मिक्सचर है ये स्पोरोपोलिन इनका फॉर्मेशन करेगा जो कि एग्जाइन को बनाएगी, और ये एग्जाइन उसको प्रोटेक्शन का काम करेगी। इंटाइन बनी हुई है पेक्टा सेलुलोज से। इसे आप अगर पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन की जगह क्या कह सकते हैं कि इंटाइन किससे बनी है, पेक्टो सेलुलोज क्या है? पेक्टो का मतलब पेक्टीन, जिससे प्लांट की वॉल बनती है, और सेलुलोज ठीक है, मिडल लैमिला में इन सब में पैक्टिन होता है सेकेंड सेल्स के अंदर। जब प्लांट की सेल वॉल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पैक्टिन पढ़ते हैं, तो उससे पैक्टिन एंड सेलुलोज से मिलके ये बनी है। तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट याद रखने हैं, कौन कौन से, कि ठीक है आउटर लेयर में स्पोरोपोलिनिन क्या है, स्पोरोपोलिनिन कैरोटीन एंड इसके एस्टर्स का मिक्सचर होता है। उसी जगह पे जो इंटाइन है, इंटाइन क्या है, इंटाइन प्रोटीन पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन से तो मिलके बनी है, लेकिन अगर हम एक सिंपल टर्म में कहें, एक सिंगल टर्म में कहें, तो ये बनी हुई है पैक्टो सेलुलोज से। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं कि पैक्टो सेलुलोज से बनी तो पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ये पैक्टो सेलुलोज है ये किससे मिलके बना है, पॉलीसेक्राइड से एंड प्रोटीन से। तो ये क्लियर हो चुका हो आपको, आई होप कि मैं क्या समझा रही हूँ, कि अगर हम एग्जाइन की बात करें तो वो बनी है स्पोरोपोलिनिन से, और ये स्पोरोपोलिनिन बना है कैरोटीन और इसके एस्टर से, ठीक है। इंटाइन की बात करें, मैं इंटाइन यहाँ लिखती हूँ, इंटाइन की बात करें तो ये बनी है पैक्टो सेलुलोज से। पैक्टो सेलुलोज किससे मिलके बना है, पैक्टो सेलुलोज मिलके बना है पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन से। पॉलीसेक्राइड कहाँ बनते हैं, डिक्टियोसोम से बनते हैं, प्रोटीन ईआर पर जो राइबोसोम प्रेजेंट है, अंतर्पदवी जालिका पर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो बनाएंगे। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब सबसे इनर जो लेयर है, देखिए कौन कौन सी लेयर हो गई, अगर हम एक सिंपल डायग्राम बनाएं तो यहाँ बनाते हैं, ये हो गया पोलन, ये हो गई एग्जाइन, या जिसे आप कह सकते हैं सेक्साइन, ये हो गई नेक्साइन, और जो ये वाली लेयर है ये हो गई इंटाइन। इंटाइन के बाद में अंदर की तरफ एक लेयर और होती है, एक सेकंड इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, अच्छे से बना देते हैं इससे, ये हो गई इंटाइन। अब इंटाइन के अंदर की तरफ एक लेयर और होती है जिसको कहते हैं टैपिटम की लेयर। यहाँ पर ये टैपिटम की लेयर इनर मोस्ट लेयर है, और ये क्या बनाती है, ये प्रोटीन्स का लिपिड का फॉर्मेशन करती है, और ये जो प्रोटीन्स बनते हैं इस टैपिटम की लेयर से, ये ही प्रोटीन जो यहाँ पर बैक्यूला बने हैं, इन बैक्यूला के अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, बैक्यूला में जो पोर्स प्रेजेंट थे ना, तो ये प्रोटीन इस बैक्यूला के अंदर जाके एक तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये आगे समझ लेंगे, यहाँ पर सिंपल सा, ये प्रोटीन कहाँ जाके स्टोर हो रहे हैं, सिंथेसिस तो टैपिटम में हो रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है, बैक्यूला के अंदर, और ये लिपिड का भी फॉर्मेशन करती है, लिपिड भी उस बैक्यूला के थ्रू ऊपर साइड पर एक पोलन किट का फॉर्मेशन करती है। ये पोलन किट क्या है, ये पोलन किट एक तरह की लेयर है जो कि पोलन्स को एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एक तरह की प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है, जो कि उनको डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स से और डिफरेंट टाइप की जो हार्म से बचाती है। और इसी पोलन किट से हमें रिएक्शंस होती हैं, या फिर कह सकते हैं जो एलर्जी होती है फ्लावर से, किसी को कुछ फ्लावर से, इस पोलन किट के थ्रू होती है, क्योंकि ये लिपिड से बनी हुई होती है और ये स्पेसिफिक केमिकल से मिलकर बनी होती है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ तक आपको समझ आया हो। अब जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताना चाहती थी वो ये है, देखिए कि ये पोलन वॉल का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये है इंटाइन, ठीक है, इस इंटाइन के बाद ये है एंडेक्साइन। जैसे कि ये इंटाइन हो गई, किससे मिलके बनी थी इंटाइन, इंटाइन बनी थी
पेक्टोसेल्युलोज से, जो कि पॉलीसेक्राइड एंड किसके मिक्सचर थे, पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन के। अब यहाँ तक क्लियर हुआ? पेक्टोसेल्युलोज से और ये पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन के मिक्सचर हैं। इसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है एक्साइन। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये एक्साइन है। इस एक्साइन के दो पार्ट थे, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे इनर वाली जो लेयर जो स्मूथ होती है उसे एंड एक्साइन कहते हैं, और सबसे आउटर लेयर जिसे एक्साइन कहते हैं। अब इस एक्साइन के भी एग्जैक्ट एक्साइन, या फिर क्या कह सकते हैं इसे, एक सेकेंड, ये जो यहाँ से लेयर आई यहाँ तक की, ये है एक्साइन। इसमें जो ये है इसे क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इसे कहते हैं नेक्साइन, और जो ये लेयर है इसे कहते हैं सेक्साइन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस नेक्साइन के अंदर, ये जो नेक्साइन है, इस नेक्साइन के जस्ट बाहर यहाँ पे फुट लेयर प्रेजेंट होती है, और ये नेक्साइन क्या करती थी, बैक्यूला का फॉर्मेशन करती थी, आउटग्रोथ के फॉर्म में बैक्यूला का फॉर्मेशन करती थी। ये रहा बैक्यूला, और ये बैक्यूला के बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हैं बैक्यूला, और ये जो पोर्स हैं ये इनके बीच में प्रेजेंट होते थे। इन बैक्यूला के आउटर जो सरफेस थी उसे टेक्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, टेक्टम। और ये टेक्टम क्या करती है, ये टेक्टम एक तरह की सबसे आउटर लेयर है, और इस पर आपको इस तरह के उभार मिल रहे हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा आई होप। अगर नहीं आया है तो एक बार आप इसे फिर से रिकॉल कीजिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, नहीं तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। ये तो पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे, इस डायग्राम को एक बार नेक्स्ट क्लास में फिर से देख लेंगे। चलिए, अगर फिर भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।